अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आली और आप देख रहे हैं YouTube चैनल आलू का किचन। तो आज हमारे किचन में बन रहा है ईदी स्पेशल मज़ेदार सा फ्रूट शीर कोरमा। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, शीर कोरमा बनाने के लिए मैंने लिया है आधा लीटर दूध और 2 बड़ा चम्मच सेवैयों का, और लिया है मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून चावल भिगो के जिसका पानी मैंने खुश कर लिया है, और लिए हैं काजू। भिगे हुए चावल और काजू का एक पेस्ट तैयार कर लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल देखिए, हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप शुगर। शुगर आप यूज़ नहीं करना चाहती हैं तो कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकती हैं। तो देखें, घी हमारा गर्म हो गया है, ये 1 टीस्पून है, और देसी घी का मैंने यूज़ किया हुआ है। आप अगर देसी घी यूज़ नहीं करना चाहती हैं तो वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकती हैं। सेवैयों को इसमें डाल देंगे और लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हम भून लेंगे। तो देखें, सेवैयाँ हमारी भून चुकी हैं और अब हम इसे फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और सेवैयों को साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। दूसरी तरफ हम दूध को बॉयल होने के लिए रखेंगे, और जैसे ही इसमें उबाल आएगा इसमें सेवैयों को हम इसमें डाल देंगे। तो देखें, दूध में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें सेवैयों को डाल देंगे और 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसे कुक करेंगे। देखें, सेवैयाँ हमारी अच्छी तरीके से गल गई हैं। अब इसमें हमने जो काजू और चावलों का पेस्ट तैयार किया हुआ है अब वो हम इसमें शामिल कर देंगे इसमें, और इसे लगातार चलाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, और लगातार चलाते हुए इसे 3 से 4 मिनट तक हम इसे पकाना है। देखें, 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें शक्कर शामिल कर देंगे और मेल्ट होने तक 3 से 4 मिनट पकाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखें, ये अब तैयार हो चुका है और हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे। देखें, यहाँ पे मैंने लिया हुआ एक बेकिंग ट्रे, और मैंने पहले से इसमें क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, थोड़ा सा मुनक्का, भिगोया हुआ बादाम डालेंगे, और अब इसमें हम शीर कोरमा ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आने वाली नई रेसिपीज आपको सबसे पहले मिल सके। गार्निशिंग के लिए हम थोड़ा सा मुनक्का और ज़ाफ़रानी खोया ऐड करेंगे इसमें। तो लीजिए, तैयार है आपके लिए मज़ेदार सा शीर कोरमा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कॉमेंट करना ना भूलें। कॉमेंट में लिख के बताएँ कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you.